बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ चिकन ड्रमस्टिक की रेसिपी शेयर करेंगे। चिकन ड्रमस्टिक मैंने 1 किलो लिए हैं। 1 कप मैंने मैदा लिया, मैदे मैंने आधा टीस्पून नमक शामिल किया है। चिकन ड्रमस्टिक को कट लगा के मैंने रात भर मैरिनेशन के लिए रख दिया है ताकि इसमें सारे मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए। उसमें जो मैंने मसाले वगैरह ऐड किए हैं वो हैं आधा टीस्पून गार्लिक पेस्ट, आधा टीस्पून लिया मैंने जिंजर पेस्ट, आधा टीस्पून लिया मैंने ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून साल्ट और 2 टेबलस्पून मैंने लेमन जूस लेके उनको रात भर मैरिनेशन के लिए रख दिया। उसके बाद हमने इनको एक बॉल में मैंने बर्फ ली, उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स किया और उसमें पहले एक ड्रम स्टिक को मैदे में अच्छी तरह कोट कर लिया। उसके बाद मैंने इसको ठंडे बर्फ़ वाले पानी में डिप किया और फिर दोबारा उसको मैंने अच्छी तरह मैदे से कोट करके रख लिया। इसको मैदा अच्छी तरह दबा दबा के लगाना है ताकि इसके अच्छी तरह मैदा जो है ना वो सारा अच्छी तरह इसको लग जाए। इसी तरह वन बाय वन मैंने सारी ड्रमस्टिक मैदे से कोट कर ली हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम एक एक ड्रमस्टिक को उसके अंदर ऑयल में डिप करेंगे, डीप फ्राई करेंगे। फास्ट फूड है, जल्दी कुक हो जाएगा। बच्चों को ज़्यादा पसंद होती है, मैंने इसमें ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाया। एक साइड जब अच्छी तरह फ्राई हो जाए फिर उसकी साइड चेंज कर। मीडियम फ्लेम पे ये फ्राई होगा। जब ये दोनों साइडों से अच्छी तरह फ्राई होगी फिर हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। एक था हमारी ड्रमस्टिक दोनों साइडों से अच्छी तरह पकी है, लेकिन हम इसको दोबारा फिर एक दफा फ्राई करेंगे। एक दफा सारी ड्रमस्टिक हमारी फ्राई हो गई है। अब हम दोबारा इसको ऑयल में डालेंगे ताकि इनके अंदर से जो बचा पानी है वो खत्म हो जाए। दोबारा हम इसको फ्राई हो गया। इसके रखने से पानी छोड़ जाती है वो फिर अंदर से अच्छी तरह कुक हो जाएगा, क्रिस्पी हो जाएगा। हमारी ड्रमस्टिक तैयार है। केचप मेयोनीज़ के साथ एंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।